तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था सबको क्लियर था और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था तो आज उसी क्वेश्चन के करेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कुछ नया पढ़ेंगे तो वेरी क्विकली सब लोग अपनी अपनी होमवर्क कॉपीज ओपन कर ले लास्ट जो होमवर्क दिया था वील बी करेक्टिंग इट एंड देर आफ्टर कुछ आज नया पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव वॉज गिवेन जिसका मैंने आपको बोला था जर्नल बनाइएगा जर्नल के बाद क्या बनाएंगे लेजर और लेजर के बाद क्या बनाएंगे स्पेस छोड़ने को बोला था लेजर कौन सा बनाने को बोला था पीएल एल अप्रोप्रिएशन सो रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन चलिए सो आई वोट बी राइटिंग एनीथिंग आई बी डिक्टेटिंग एंड इट इज रिक्वेस्टेड कि आप अपनी कॉपी में इसको चेक करेंगे रेडी मिनट का टाइम दे रहा हूं सब लोग अपनी होमवर्क कॉपी रेडी कर लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन लेट्स कंटिन्यू सो सबसे पहली जर्नल एंट्री आप करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एल अप्रोप्रिएशन थ्री लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड Six hundred. Thereafter, salary account debit to SS capital one lakh twenty thousand. Thereafter, PL appropriation account debit to salary one lakh Commission account debit to seize capital fifty thousand. PL appropriation account debit to commission fifty thousand. Correct, everybody. Thereafter, interest on capital account debit to SS capital thirty thousand to CS capital twenty four thousand.

बट सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री में एस सी और एम का ड्रॉइंग्स अकाउंट भी यूज कर सकते थे बिल्कुल यूज कर सकते थे आप एंट्री क्या कर सकते थे और हमने आपको पढ़ाया क्या है इसमें डिफरेंस समझिएगा लिखिएगा कुछ मत सिर्फ समझने वाली बात है कि लिखिएगाटिव भी बहुत होते हैं बट हमारे सिलेबस सिस्टम में एक पर्टिकुलर लाइन एंड लेंथ फॉलो की जाती है ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे इट्स एस एस ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देन सीज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देन एम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंट्री नजर आ रही है सबको ट्वेंटी सेवन हंड्रेड हेयर एटीन हंड्रेड हेयर एंड नाइन हंड्रेड हेयर तो आपने सबसे पहली चीज तीनों की अलग अलग एंट्रीज की है सर कांड डू द एंट्री कंपाउंड बिल्कुल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इट इज एस एस ड्राॅइंग्स अकाउंट डेबिट

कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में चला गया ड्रॉइंग का इंटरेस्ट ड्रॉइंग में इलेवन में तो यही पढ़ाया गया था अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन स्टोरी में ट्विस्ट समझिए आपने 60, के क्लोजर की एंट्री क्या की थी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एस ड्रॉइंग सिक्सटी लिखा था ना बट क्योंकि अब आप एस का ड्रॉइंग्स ट्वेंटी सेवन हंड्रेड से फर्दर डेबिट कर चुके हैं तो अब ये जो क्लोजर होगा ये कितने रुपए से होगा बात समझ में आई बट हमने क्या ऑल्टरनेटिव पकड़ा हुआ है हमने ऑल्टरनेटिव पकड़ा है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ड्रॉइंग्स के साथ सप्लीमेंट नहीं करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को तुरंत देन एंड कैपिटल में रिड्यूस कर देंगे ताकि कल को जब हम अपना ड्रॉइंग्स क्लोज करें तो वो स्ट्रेट एंड सिंपल वनीला फ्लेवर टाइप ये तो ट्रिपल संडे बना दिया था पहले मैंने एग्जैक्टली exactly क्लोज हो जाएगा तो आपको कुछ बुक्स में एडवांस अकाउंटेंसी की ऐसा भी नजर आएगा कि पहले में इंटरेस्ट को जोड़ा गया फिर पूरा कैपिटल से हटा लिया गया तो आपने एक मक्खी मारी एक मच्छर मारा एक चूहा मारा अच्छा है कि तीनों जब एक डिब्बे में बंद हो जाए तीनों को एक साथ जला दीजिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच इज बी अंडरस्टूड और नॉट तो कभी कभार आपको ये एंट्री मिल सकती है कल को जब आप सीवीटी के लिए जाएंगे सीए फाउंडेशन के लिए जाएंगे वहां पे ऐसे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे तो ऑप्शन ए में ड्रॉइंग्स वगैरह लिखा हुआ नजर आएगा बी सी डी कुछ बकवास लिखी हुई नजर आएगी एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी होगा हमारा बच्चा नन ऑफ दीज लिख के चला आएगा और नन मार्क्स वुड बी गिवन टू है बातें समझ में आ रही मेंट पक्का तो अगर आपको यहां पे ड्रॉइंग्स लिखा हुआ मिले इंस्टेड ऑफ कैपिटल और इन फ्यूचर जब ड्रॉइंग्स को क्लोज किया गया है तो वो जो क्लोजर किया गया है वो क्लोजर इंटरेस्ट मिला के किया गया है तो ये दोनों एंट्रीज भी परफेक्टली करेक्ट है ये गलत नहीं है इट इज जस्ट ऑल्टरनेटिव वे जो जनरली आपके सिलेबस में नहीं है कोई क्वेरी है इसके ऊपर तो पीपल कैन आस्कृत समझ गया सब लोग तो कभी भी ऐसी एंट्री आप देखें तो घबराइएगा मत सर ये क्या हो गया आपने तो पढ़ाई नहीं है खैर समझ में आ गई सबको बात निकाल लेते हैं फाइनली डिविजल प्रॉफिट सो लास्ट एंट्री आप डिविजल प्रॉफिट की करेंगे

चलन बात समझ में आई ये और नो सर कन्फर्म पीएल अप्रोप्रिएशन चेक कर लीजिए पीएल अप्रोप्रिएशन चेक कर लीजिए सबसे पहले आपने लिखा होगा बाय पीएल नेट प्रॉफिट बायपीएल डाउन एंट्री छूट गई क्या बाय पीएल नेट प्रॉफिट डाउन एक लाख बीस सॉरी थ्री लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डैश एस डैश एम डैश सी या डैश एस डैश सी डैश एम 2700, 1800, 900. टोटल कितना आएगा डेबिट 54. साइड में टू सैलरी ब्रैकेट में ही एस लिख दीजिए एक ही पार्टनर है वन टू में ही C लिख दीजिए एक फिफ्टी थाउजेंड समझ में बात उसके बाद आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश एस थर्टी थाउजेंड सी ट्वेंटी फोर थाउजेंड मच एटीन थाउजेंड आउटर कॉलम में कितना टोटल जाएगा एटीन के नीचे लाइन ड्रॉ किया लोगों ने एटीन के नीचे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और आ जाएगा सेवेंटी टू थाउजेंड समझ गए उसके बाद दिखेंगे समझ गए सब लोग पक्का चलिए देन वी द फर्स्ट एंट्री इट्स पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल appropriation अकाउंट what इज द वैल्यू एक लाख बीस हजार रुपए कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर क्या जोरिए एंट्री का सीक्वेंस यही हो लॉजिक तो यही बोलता है बट अगर आप दाए एंट्री कर देंगे ऊपर नीचे टीचर शुड नॉट डिडक्ट मार्क्स क्यों ऑल द एंट्रीज आर बिंग डन एट द एंड ऑफ द ईयर एक ही डे पे हो रही है ऊपर तो नीचे कैसे भी जा सकता है बट गलती ना हो तो एक सीक्वेंस बताएगी आपको देर आफ्टर चिल्ड्रेन एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीना रमन कैपिटल प्लीज कैपिटल लिखिएगा कुछ बच्चे लिखते नहीं है कैपिटल हाँ वैल्यू क्या आएगी भाई एटीन एंड सिक्स टोटल बिकम्स हाउ मच ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंट्री वुड बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डेयर एनी बडी राइट आईओ सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन माना जाएगा वो पूरी स्पेलिंग लिखिएगा मेरे से कॉम्पीट मत करिएगा मेरे को एग्जाम नहीं देना है क्योंकि डेर आफ्टर एंट्री वुड बी चिल्ड्रन सैलरी अकाउंट डेबिट टू रमन कैपिटल अकाउंट वैल्यू इज थर्टी थाउजेंड रुपीज और उसके बाद एंट्री क्या होगी पीएल अप्रोपरिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी वैल्यू इज थर्टी थाउजेंड समझ गए फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जिक्र करेंगे entry would be Reena's capital account debit, Raman's capital account debit to interest on drawings. It's a thousand rupee, five hundred, and here it is fifteen hundred. Is it sounding correct and good? कोई problem तो नहीं भाई किसी को? Because children अगर आपने fundamentals में थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो समझ लीजिए पैंतीस नंबर का जुआ खेल रहे हैं आप थर्टी फाइव मार्क्स का सिलेबस आपका छूट जाएगा पीएल अप्रोप्रियशन टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह है कुछ यस एंट्री इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हाउ मच सैलरी की एंट्री कर चुके हैं अच्छा yes. ड्रॉइंग्स को क्लोज करना था सॉरी 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 चलिए ड्रॉइंग्स को क्लोज करते हैं इट इज रमन कैपिटल टू रमन ड्रॉइंग्स क्या वैल्यू है ट्वेंटी थाउजेंड एंड देर आफ्टर इट इज रीनाज कैपिटल टू रीनाज थर्टी थाउजेंड रुपीज डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री क्या लिखेंगे बच्चों पीएल एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रमन कैपिटल टू रीनाज कैपिटल आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टैंड की है आप जर्नल में बैलेंसिंग कर रहे हैं डेबिट शॉर्ट था कवर अप करने के लिए डेबिट कर रहे हैं और रीना और रमन को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं बिकॉज वो प्रॉफिट घर नहीं लेके जा रहे बिजनेस में रीन वेस्ट हो रहा है तो इनका सैक्रीफाइस बढ़ गया मॉडर्न रूल इलेवेंथ क्लास में आपको पढ़ाया गया था क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल क्या प्रॉफिट आ रहा है हमारा सेवन फाइव हंड्रेड नथिंग वॉज मैं क्वेश्चन रिगार्डिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन तो आप क्या करेंगे इक्वल थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी समझिए सब लोग पीएल अप्रोप्रिएशन का लेजर चेक कर लो भाई बाय पीएल नेट प्रॉफिट डाउन ट्वेंटी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डैश रमन डैश रीना या डैश रीना डैश रमन इनर कॉलम में थाउजेंड और फाइव हंड्रेड आउटर कॉलम में फिफ्टीन हंड्रेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश रीना डैश रमन कॉलम में ट्वेंटी फोर तो क्योंकि पिछली में 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 बता चुका आपको in full length and breadth कैसे लिखना है है तो नहीं वेस्ट करना मैं अभी ही रमन लिख लीजिए एक partner है. Amount में कितना आ जाएगा I कि बच्चों ने वर्किंग नोट बनाकर प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया है नहीं तो नाइनटी नाइन परसेंट बच्चा इस एंट्री को रट लेता है

ये उसी बैलेंसिंग की जर्नल एंट्री है डेबिट शॉर्ट था इसलिए हमने इसको डेबिट किया है क्योंकि यह कॉन्सेप्ट अभी आपको बारह बार फिर से पढ़ना है तो भूलिएगा मत इसको वाई पार्टनर्स घर नहीं लेके जा रहे बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं तो इनका सैक्रीफाइस बढ़ रहा है समझ में आ रही बात क्वेश्चन नंबर सेवन पहली एंट्री बच्चों पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन फोर्टी फाइव थाउजेंड देर आफ्टर एंट्री लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुभास कैपिटल टू काजल कैपिटल अनुभा में एटी फोर हंड्रेड काजल में सिक्स थाउजेंड एंड टोटल सैलरी फोर्टीन फोर हंड्रेड समझ में आ गया पक्का देर आफ्टर एंट्री इज पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी फोर्टीन फोर हंड्रेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभास कैपिटल अकाउंट फोर्टी फाइव हंड्रेड टू काजल्स कैपिटल अकाउंट थ्री थाउजेंड एंड इंटरेस्ट को टोटल totally कितना डेबिट करेंगे आप समझ समझ में खैर वही पाएंगे जिन्होंने homework किया है बाकी तो अगले साल रिपीट करेंगे PL appropriation to interest on capital हो गया इसके बाद अनुभास अनुभास इसको कृपया करके अप्रोप्रिएशन में ना ट्रांसफर कर देना दिस डेट्स ट्रांसफर्ड ओके चलो भंडारा है चलो पीएल अप्रोप्रिएशन है भंडारा सब चलो देन वी हैव अनुभास कैपिटल अकाउंट डेबिट 425 काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 225 ट्वेंटी फाइव टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चिल्ड्रन सिक्स खोपड़े में बात गई या नहीं समझ में आ गई बात पक्का कंफर्म चलिए तो अब कैलकुलेट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट क्या एंट्री है डिविजिबल प्रॉफिट की पीएल एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल अकाउंट टू काजल कैपिटल वॉट इज दॉफिट कमिंग ट्वेंटी थ्री सेवन टू टू वन में डिवाइड करेंगे समझ में आ गया पक्का प्लीज डोंट आस्क मी सर ये कौन सी मेंटल मैथ इतना जल्दी आपका आंसर आ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने क्वेश्चन किए हुए हैं और मल्टीपल बैचेस में क्लासेस चलती है तो वो याद हो जाती है चीजें धीरे धीरे ओके okay? चलिए सबने समझ लिया कैसे बनेगा चलिए लेट्स गेट डाउन पीएल सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन चिल्ड्रन नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन द वैल्यू इजेक्ट फोर्टी फाइव थाउजेंड बी पुटिंग बाय इंटरेस्ट ऑन Drawings, Anubha and Kajal. Four twenty-five and two twenty-five lines. are draw. last value nice. Six fifty. Then we had salary. If I'm not wrong. Yes. For Anubha, how much? For Kajal, how much? Eighty-four hundred 80, and six thousand becomes fourteen four hundred. Then we have interest on capital. Puri spelling. अनुभा था वॉट इट क्लियर तो अभी समझिए घर जाके सॉल्व करिएगा तोते की तरह छाप रहे हैं बस उनसे पूछा गया फादर्स नेम क्या है कैनन मदर्स नेम क्या है जेरोक्स आपका नाम क्या फोटो कॉपी छापना नहीं है होमवर्क है तो घर से करके आइए बस और तो कुछ नजर आ नहीं रहा है तो क्रेडिट साइड का टोटल ही आपको डेबिट साइड में लिखना है बिकॉज दिस साउंड टू बी दायर टोटल सो टू अनुभास कैपिटल अकाउंट विद इन ब्रैकेट इट इज डिविजिबल प्रॉफिट टू काजल कैपिटल अकाउंट विद इन ब्रैकेट इट इज डिविजिबल प्रॉफिट क्या रहा था फिफ्टीन एट थर्टी थ्री एंड सेवन नाइन वन सेवन समझ में आ गया करेक्ट कर लीजिए कुछ गलत है तो देख लीजिए सही कर लीजिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए तो प्लीज पुट दिस कंटेंट समवेयर इन योर कॉपी चिल्ड्रेन दैट पीएल अप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज तो आपने दो तरह की एंट्रीज पढ़ी है वन इज एडजस्टिंग अदर इज क्लोजिंग बट अप्रोप्रिएशन जो आप बनाते हैं इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात चलिए लेट्स मूव फर्दर बनाते हैं बच्चों पार्टनर का पर्सनल अकाउंट दो वर्क बुक वो वर्क बुक में सॉल्व करेंगे जिनके पास अभी तक नहीं पहुंच पाई है वो अपनी कॉपी को सेंटर फोल्ड करें लाइक वी यूज टू प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक इन वेरी सिमिलर वे आपको कॉलमनर कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं बी क्विक तो so चिल्ड्रन आपको अगर मैं पूछूं कि क्लास इलेवेंथ में जब कैश बुक पढ़ते थे तो कैश बुक के क्वेश्चन में डबल कॉलम कैश बुक भी होती थी ट्रिपल भी मैंने पढ़ाई है सीबीएसई सिलेबस में थी नहीं बट आई टॉट आपको डबल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम कभी कभी नजर आता था पहुंच गए ना घर तक और कभी कभी क्वेश्चन में लिख के आता था बैंक ओवर कैसे उसको पोस्ट किया जाता था बायेंस रॉट डाउन क्यों लिखते थे बाय बायल ब्रॉटडाउन इसका कोई जवाब दे सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बाय ब्रॉट डाउन क्यों लिखा जाता था जिन्होंने पार्टीज किए वो जवाब नहीं दे पाएंगे वेरी गुड बैंक ओवरड्राफ्ट स्टॉक होता है कुछ इडियट्स के अनुसार यस इट्स लाइबिलिटी इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं सिमिलरली कैपिटल आल्सो बाय डिफॉल्ट हैज है क्रेडिट बैलेंस तो कैपिटल की वैल्यू को भी आप कैपिटल अकाउंट में बीइंग क्रेडिट बैलेंस कैसे पोस्ट कर सकते हैं ऑन द क्रेडिट साइड और ऑन द डेबिट साइड आंसर ऑन द क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन नाउ पीपल मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इलेवेंथ क्लास में पढ़ाई क्यों करनी चाहिए कुछ लोग तो बोलते हैं सर इलेवेंथ इज द रेस्ट ईयर देन से ट्वेल्थ इज द बस्ट ईयर तो में रेस्ट करेंगे तो जिंदगी पर रेस्ट ही करना पड़ेगा बाय बैलेंस डाउन। दो चीजें क्वेश्चन से उठा के यहाँ पे लिखनी पड़ेगी एक आ चुकी है थोड़ी देर में आएगी या हो सकता है कुछ दिन बाद so तो में ऐसे ही क्वेश्चन खतरनाक पूछे जाते हैं तो वाइवा कहने को होता है टीचर में सिंपली आस्क यू हाउ डू वी पोस्ट कैपिटल वैल्यू और कैपिटल ओपनिंग बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट हर तोता यही बोलता है बनेंगे। समझ में आ तो concept पढ़ना बहुत जरूरी है फिर तो उसका बच्चा कहेगा नहीं सर बी कॉम कर लेंगे ग्रेजुएशन हो जाएगा फिर भेड़पुरी बेचेंगे ग्रेजुएशन करके और नाम होगा ठेलेगा ग्रेजुएशन वाला समझ में आ गया ग्रेजुएशन भेड़पुरी वाला लॉजिक समझ में आ रहा है चलिए अब चलते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ बनना पड़ेगा आपको मिस्टर इंडिया entry फर्स्ट जर्नल एंट्री दैट the देयर इन journal children दिस क्वेश्चन पीएल टू to pl appropriation क्या इसका कोई भी रिश्ता कैपिटल अकाउंट से है नो no. तो यह रिश्ता क्या कहलाता है नथिंग नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपने क्या लिखी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल टू काजल कैपिटल अगर मैं आपसे कहूं कि सैलरी के लेजर में क्या पोस्टिंग होगी तो आपका जवाब क्या होगा टू अनुभा टू काजल बट हम सैलरी का लेजर नहीं बना रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बना रहे हैं तो फिर से एक बार जर्नल इंटीडिकेट करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल टू काजल्स कैपिटल तो सैलरी के लेजर में क्या पोस्टिंग होगी टू अनुभा टू काजल बट हम वो काम नहीं कर रहे सर क्यों नहीं कर रहे आपको आता नहीं है मेरे को आता है सिलेबस में नहीं है आप अनुभा और काजल में क्या लिखेंगे सैलरी। तो यू कैन से से कि हम थोड़े नालायक हो गए हैं हम उतना ही काम कर रहे हैं जितने में हमारा मतलब निकल जाए और बच्चों सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम वेयर वी मेंटेन ओनली दैट मच रिकॉर्ड जिसमें अपना उल्लू सीधा हो जाए समझ में अभी बात कंफर्म अब सर ये भी कभी पूछा जाएगा बिल्कुल जब आपके नाम के पीछे सीए लग जाएगा और आप किसी बड़े कॉरपोरेट में करोड़ों की नौकरी लेने जाएंगे तो वहां का इंटरव्यूंग बोर्ड आपसे ये बेसिक्स पूछ सकता है सर क्या फर्क पड़ता है सीए ए तो बनी गए है ना आप कितने भी अच्छे सीए बन जाइए स्ट्रीट स्मार्ट अगर नहीं होंगे तो इंडियन कॉन्टेक्स में काम नहीं कर पाएंगे तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा समझ में आया कि नहीं स्ट्रीट स्मार्ट मतलब चतुर बुद्धि अंडरस्टूड एवरीबडी तो यहाँ पे आपसे बातें पूछी जाएंगी कि भैया आपने फंडामेंटल्स पढ़ा होगा सीए फाउंडेशन कोर्स पार्टनर का कैपिटल में तो हो गया। all, क्या? भी नहीं सब बनता है एज अ स्टूडेंट आप सिर्फ उतना बनाते हैं जितना आपको बोला गया है तो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम तो डबल एंट्री का मतलब पूरा भयंकर सिस्टम जो इलेवन में पढ़ा था सिंगल एंट्री मतलब उतना बनाओ जितने में अपना उल्लू सीधा हो जाए तो मेरे बिजनेस का सिंगल एंट्री कुछ और होगा आपके पापा मम्मी के बिजनेस का सिंगल एंट्री कुछ और होगा सब अपने हिसाब से बनाएंगे ना समझ में आ गई बात बट डबल एंट्री पूरी दुनिया जहान में एक जैसा चलेगा समझ में आई बात है three, क्या थी आपकी वर्कबुक की शीट में पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है फोर्थ एंट्री क्या है चिल्ड्रन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभास कैपिटल टू काजल कैपिटल इफ आई आस्क इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेजर में क्या पोस्टिंग करेंगे इस जर्नल एंट्री की आपका जवाब क्या होगा टू अनुभा टू काजल भाई लेजर तो सबने पढ़ा है ना ग्यारहवीं में लेजर तो सबने पढ़ा है ना हाँ वेरी गुड टू अनुभा टू काजल तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेजर नहीं बना रहे हैं आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं वॉट पोस्टिंग यूल बाइ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैल्यू इज बच्चो फोर्टी फाइव हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड और मैंने देखा है कि मेजोरिटी टीचर सीधे फंडामेंटल का क्वेश्चन उठाते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चा बेचारा आखिरी दिन तक नहीं समझ पाता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है समझ में आया पक्का कन्फर्म तो जिस बच्चे ने कभी अपने मोहल्ले में सब्जी मंडी ना देखी हो कभी घर में किचन ना देखा हो उसको तो यही लगेगा मम्मी बाजार गई और बटर पनीर मसाला आ गया समझ में आया कि नहीं आया पक्का नेक्स्ट अगली एंट्री क्या बच्चों? पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस एंट्री का हमारी वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है वॉट दिक्कत एंट्री बच्चों अनुभास कैपिटल टू ड्राइंग अनुभास, अनुभास कैपिटल टू सिर्फ सुनना है लिखना नहीं है तो अगर एंट्री है चिल्ड्रन अनुभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभास ड्राइंग्स क्या पोस्टिंग करेंगे आप अनुभा के कैपिटल अकाउंट में लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काजल्स ड्रॉइंग क्या पोस्टिंग करेंगे आप टू काजल ड्रॉइंग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट दिया गया आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है यू बी गेटिंग एकदम एप्सोल्यूटली करेक्ट है दिस यू आर सपोज टू हो पर्सनल अकाउंट आर वी टेकिंग एनी जर्नल एंट्री जिसमें अप्रोपरिएशन आर ऑफ नो अब बच्चे तोते तरह रट लेते हैं सर पीएल अप्रोप्रिएशन बना था यूजिंग विच टाइप ऑफ एंट्रीज क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट बन रहा है यूजिंग विच टाइप ऑफ एंट्रीज सॉरी स्टोरी में ट्विस्ट है एक कैच है बीच में अभी बताऊंगा अच्छा लगेगा तो अंगूठा दिखा दीजिएगा यूट्यूब पे जब फ्लोट हो जाएगा समझ गए लिख दिया सबने टू ड्रॉइंग्स एटी फाइव हंड्रेड सिक्सटी फाइव हंड्रेड नेक्स्ट एट्थ एंट्री क्या थी बच्चों अनुबास कैपिटल काजल्स कैपिटल टू आई उड इन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ आई आस्क यू की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लेजर में हाउ दिस एंट्री कुड बी पोस्टेड क्या आंसर होगा आपका बाय अनुभा काजल हम नहीं बना रहे उसको वट आर वी प्रिपेरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो अनुभा और काजल के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे बच्चों टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फोर ट्वेंटी फाइव एंड टू ट्वेंटी फाइव एफ एम समझ गए पक्का अभी तक तो भाई यही समझ में आ रहा है पीएल क्लोजिंग से बना और ये अडजस्टिंग से स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है बहुत जल्दी स्टोरी में ट्विस्ट बहुत जल्दी आने वाला है यहां तक लिख लिया सबने लास्ट जर्नल एंट्री क्या थी बच्चों एल अप्रोप्रिएशन टू अनुभास कैपिटल टू काजल्स कैपिटल और इस एंट्री को क्या डेजिग्नेशन दिया था हमने ये एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन में जा चुकी है यस और टू अनुभा कैपिटल काजल कैपिटल लिख दिया वॉट टू राइट इन अनुभा एंड काजल्स कैपिटल बाईल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डोन्ट चेंज द इन कलर ये सिर्फ इस कॉन्टेंट को दिखाने के लिए है सारी की सारी एडजस्टिंग एंट्रीज जाती हैं एक्सेप्ट दैट फॉर डिविजिबल प्रॉफिट इट्स फिफ्टीन नाइन वन सेवन था शायद नहीं थ्री था फिफ्टीन नाइन वन थ्री इज इट एट ओ सॉरी एट थ्री थ्री सेवन नाइन वन सेवन चलिए फिफ्टीन एट थर्टी थ्री एंड सेवन नाइन वन सेवन आई होप सो इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड समझ में आ गया पक्का आपने जर्नल पढ़ा है इसलिए आपने जर्नल से समझ लिया चल रहा है आपको बताता हूँ धरती का इंसान इन चीजों को कैसे समझता है बड़ा ही बकवास तरीका है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे क्रेडिट है यहाँ डेबिट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट कर देना सैलरी डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट कर देना प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट था तो क्रेडिट कर देना हो गया डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट दो जूते मारने चाहिए ऐसे इंसान को ये एकदम बकवास अप्रोच है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है नथिंग लाइक दैट नथिंग लाइक दैट अगर आपने ये अप्रोच रट ली जिंदगी में नहीं समझ में आएगा एडजस्टिंग एंट्री होती क्या है किसी जमाने में ऐसी अप्रोच ही टीचर्स पढ़ाया करते थे बट जब बोर्ड्स ने स्टार्ट किया जर्नल एंट्री की टेस्टिंग तो टीचरों को समझ में आया कि अब हमको बच्चे को एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों एंट्री पढ़ानी पड़ेगी नहीं तो वो सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे और बोलते थे कि और जितना यहाँ पे क्रेडिट किया रिलेटेड टू पार्टनर उतना यहाँ पे डेबिट कर दो आंसर आ जाता था कॉन्सेप्ट टाइटा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इट इज सिंपली

जो देखने में लगता है वो होता नहीं और जो हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है तो प्लीज इट इज इंस्ट्रक्टेड कृपया करके ऐसा कॉन्सेप्ट मत बनाइएगा कि अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया और जो अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया टोटल बोगस अप्रोच है पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है विद द एफर्ट ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज पर्सनल अकाउंट आर प्रिपेयर एफर्ट ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज एक्सेप्ट दैट फॉर डिविजिबल प्रॉफिट ये क्लोजिंग एंट्री से ही आया है समझ में आ गई बात बातें पक्का आप लोगों को समझ न आ रहा होगा कि इलेवंथ और ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी के सिलेबस में फर्क कितना होता है वहां पे डेप्रिसिएशन और हुआ लगते थे यहाँ तो सर हर लाइन पे क्रैब्स के केकड़ा कैक्टस बिछा हुआ है थोड़ा सा चूके समझ में आई बात पक्का तो यू आर वॉकिंग ऑन द रोड विच इज बिल्ट अप बिल्टअअप लिइंग चलिए भाई आगे चलते हैं सो so, आंखों का परफेक्ट इस्तेमाल करिए और देख के बताइए विटामिन डी की कमी किस साइड पे लग रही है डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड वेरी गुड सो इफ डेबिट साइड इज शॉर्ट हम डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन यू कैन सिंपली प्रूव अकाउंटेंसी और कॉमर्स इज नॉ दर लेस इजी साइंस बहुत डिफिकल्ट चलो कॉमर्स पढ़ लेते हैं इसको बोलते हैं कॉमर्स बाई चांस ऐसा कुछ नहीं है भाई नाइन्टी थाउजेंड प्लस एटी फोर हंड्रेड प्लस फोर्टी फाइव हंड्रेड प्लस एट थर्टी थ्री दिसन थाउजेंड से उसमें से आप माइनस कर देंगे एट्टी फाइव हंड्रेड एंड फोर ट्वेंटी फाइव सो इट बिकम्स वन जीरो नाइन एट जीरो एट एंड दिस इज कॉल्ड एज बाय बैलेंस ब्रॉट क्रेडिट साइड सिक्सटी थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड प्लस सेवन नाइन वन सेवन टोटल चिल्ड्रन सेवेंटी सिक्स नाइन वन सेवन आउट ऑफ दैट वी वुड बी सब्ट्रैक्टिंग सिक्सटी फाइव हंड्रेड एंड टू ट्वेंटी फाइव सो बच्चो इट वुड बिकम सेवेंटी थाउजेंड वन नाइन्टी टू एंड सेवेंटी थाउजेंड वन नाइन्टी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन पे लाकर छोड़िएगा डू नॉट फिनिश योर वर्किंग एट दिस प्लेस और इवन एट द टोटल तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब क्या है आपने जिसको जिसको पार्टी में इन्वाइट किया है उसको एकदम घर के बाहर तक छोड़ के आना है ताकि फिर ना चला है। समझ में में जब हमारे इंडियन गेस्ट आते हैं उनको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने जाते हैं ना और लोग कहते हैं हॉस्पिटैलिटी है ठेंगा हॉस्पिटलिटी है इसलिए तो जातेक वापिस ना चले आ ट्रेन वेन में बैठा के एकदम ट्रेन डिपार्ट हो जाती तब घर आते हैं समझ में आई बात चलिए बी क्विक बी क्विक चल बी क्विक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क ना टाइम फॉर द सेमी रिटर्न गिफ्ट होमवर्क माफ कर लीजिए चल आपको मैंने दो जेरोक्स दिए हैं एक साथ स्टेपल्ड है जिनके पास नहीं उनको मिल जाएगा, अगले टर्न पे जेरोक्स मिल जाएगा तो पहला कंट्रीब्यूशन हमारा डी के गोयल साहब की बुकलेट का है और दूसरा टीएस ग्रेवाल साहब की है कोई कॉपीराइट की चोरी नहीं है इट्स आर रेस्पेक्ट टू देम व्लियर क्वेश्चन नंबर फाइव आपको नजर आएगा फिफ्थ पेज पे चल रन क्या करना है जो लिखा है वो तो बिल्कुल नहीं करना है यू आर सपोज टू प्रिपेयर जर्नल बाय पर्सनल फास्ट नेक्स्ट लगभग सिक्सटी परसेंट ऑफ द पेजेस को टर्न करिए बच्चों तो आपको नजर आएगा टी एस ग्रेवाल साहब का कमाल एक्सरसाइज शब्द जैसा कुछ लिखा होगा क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव माफ कर लीजिए क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एक्सरसाइज शब्द लिखा होगा टू थ्री फोर फाइव मिल गया सबको वन टू फाइव के बाद चल रन क्वेश्चन नंबर थर्टीन जर्नल चाहिए पीएल अप्रोप्रिएशन चाहिए एंड कैपिटल अकाउंट चाहिए सेम काम आप करेंगे इन क्वेश्चन नंबर जर्नल चाहिए पीएल पीएलिएशन चाहिए एंड कैपिटल अकाउंट चाहिए ठीक एट द बैक आंसर दिया होगा डिजिबल प्रॉफिट का बट ये मत सोचिएगा सर मेरा डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आया तो मैंने पीएल अप्रोप्रियशन नहीं बनाया सर मेरा अप्रोप्रिएशन नहीं आया तो मैंने कैपिटल नहीं बनाया अब इसका मतलब ये नहीं है कि नए शूज नहीं मिल रहे हैं तो हम पार्टी में जाएंगे ही नहीं चप्पल पहन के जाएंगे किसी के शूज देख लेंगे मंदिर से जिसके पसंद आ जाए समझ में आ गया आपको अटेम्प्ट करना है सिंसियर अटेम्प्ट आंसर आए तो अच्छा ना आए तो उससे भी अच्छा ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के बाद बच्चों आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर पे जर्नल चाहिए पीएल अप्रोप्रिएशन चाहिए एंड कैपिटल अकाउंट चाहिए फिर आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव पे जर्नल चाहिए पीएल अप्रोप्रिएशन चाहिए कैपिटल अकाउंट चाहिए समझना क्या वैसे तो भगवान का दिया मेरे पास बहुत कुछ है पर ये चाहिए 46 बड़ा ही मजेदार धमाकेदार चुलबुल पांडे टाइप क्वेश्चन है सर यहाँ पे तो कैपिटल भी दिया है ड्रॉइंग भी दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डिफिजिबल प्रॉफिट भी दिया है सर तब भी मेरे को जर्नल चाहिए पीएल अप्रोप्रिएशन चाहिए और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चाहिए कुछ लोग कहेंगे सर नेट प्रॉफिट है नहीं क्वेश्चन में कहां से आएगा आप इंटेलिजेंट है इसलिए आपको बोल रहा हूँ सोल्व करने को बेवकूफ़ होते तो मैं बोलता ही ना समझ में आया मेरी मुकेश अंबानी जी से सौ सौ करोड़ की शर्त लगी है वो कह रहे हैं कि आपका एक भी स्टूडेंट इसको सोल्व नहीं कर पाएगा मैंने कहा सब सोल्व कर लेंगे समझ में आ गया तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन तो आपसे कह रहा है सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाइए बट मैं आपसे कह रहा हूं कि जर्नल भी बनाइए पीएल अप्रोप्रिएशन बनाइए और कैपिटल अकाउंट बनाइए बट नेट प्रॉफिट नहीं है तो सर पहली एंट्री में लिखेंगे क्या खाना खाना आता है तो उल्टी करना भी आता है दिस इज दिंट समझ में आया अब आंसर आपका आ जाएगा और इस क्वेश्चन को चाहे तो सबसे पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा सबसे पहले और जो मेरे को सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करके व्हाट्सएप करेगा सही दे विल गेट अ गुड गिफ्ट मतलब गुड गिफ्ट का मतलब वेरी गुड बोल दूंगा बस हो गया गुड गिफ्ट मतलब रेयली अ गुड गिफ्ट बट कुछ हपी टाइप के लालची टाइप के लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं पहले सर गिफ्ट बता दीजिए क्या है अगर चप्पल पढ़नी होगी तो नहीं करेंगे जूता पढ़ना होगा तो करेंगे सर क्योंकि जूते महंगे आते हैं ना ओके तो टाइम अपना लीजिएगा सॉल्व करिएगा और एकदम आसान है हो जाएगा बहुत आसान है लेट सी कौन कौन ट्राई कर पाता है माफ कर लिया सबने चलिए तो इतना होमवर्क कर लीजिएगा और वापस आ जाते हैं अपनी सो कॉल्ड वर्कबुक पे और अब आपको कुछ नया बताने का समय आ गया है बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कुछ ड्रॉ करने जा रहा हूं शोइंग यू पीपल सम आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ माइंड जिस साब, साबित हो जाएगा कि एम एफ हुसैन साहब को मैंने पेंटिंग सिखाई हुई है ये एक वेसल है बच्चों वेसल जानते हैं ना बर्तन टाइप चीज बन गया परफेक्ट ग्लास ठीक है और इसके अंदर भरा हुआ है ढेर सारा पानी जनरली पानी का कलर ब्लू ही होता है क्यों होता है भाई रिवर और को रेफर करते हैं स्काई की होती है अब मैंने सोचा कि इसमें कुछ ड्रॉपलेट्स कर दिए जाए कौन से कलर के ड्रॉपलेट्स हो रहे हैं बच्चों जिन्होंने च्यवन प्राश खाया है बचपन में वो आंसर दे सकते हैं जिन्होंने छोला भटूरा पाव भाजी खाया वो नहीं दे पाएंगे और जो बर्गर मोमोज चाउमिन वाले वो तो बिल्कुल सोचे ही ना आंसर देने की आंसर चलेन कौन से कलर को मैं ऐड कर रहा हूँ इस पानी में ग्रीन कलर है थोड़ी देर में इस पूरे कंटेनर में आपको नजर आएगा कि पूरा पानी किस कलर का हो चुका है ग्रीन कलर ग्रीन तो भाई वाटर में तो ट्रांसपेरेंट होता है ना तो ये ग्रीन क्यों हो गया क्योंकि ग्रीन कलर ने इसको इफेक्ट किया है ग्रीन कलर ने इसको इफेक्ट किया है वैसे ही आपने जब कैपिटल अकाउंट अभी तक बनाया था बच्चों तो मैं आपसे एक सिंपल सी क्वेरी करूंगा योर कैपिटल अकाउंट स्टार्टेड विद द बैलेंस ऑफ नाइनटी एंड सिक्सटी ठीक पराठा दही वाले आंसर देंगे छोले भटूरे वाले मोमोज वाले आंसर नहीं देंगे आपका बैलेंस नाइन्टी और सिक्सटी था बट एंड आते आते इज इट सेम इज इट सेम इज इट सेम इट चेंज येस ऑर नो चिल्डन ड्यू टू वॉट रीजन डिड इट चेंज सर क्रेडिट साइड पे वी हैव रिटर्न दीज मेनी आइटम्स डेबिट साइड पे वी हैव रिटर्न दीज मेनी आइटम्स तो ये वही ग्रीन कलर है जिसने पानी के रंग को चेंज कर दिया लॉजिक समझ में आया गाना सुना ना बॉलीवुड का हिंदी वाला पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिल जाए उसके जैसा लॉजिक समझ में आया कि नहीं याद है ना नहीं या तो याद कर लीजिएगा रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा अब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुआ टू टू में अंडरस्टूड आज 2023 में अनुभा और काजल जाते हैं लैकमे के शोरूम में नहीं बैंक के पास और इन्हें चाहिए लोन बैंक मैनेजर इनसे 2023 में पूछ के आ रहे हैं हाउ मच कैपिटल हैव यू पीपल इन्वेस्टेड टेलस अकॉर्डिंगली हम आपको लोन देंगे पहले ईयर में ही बच्चों इनका कैपिटल फ्लक्चुएट होके वन जीरो नाइन एट जीरो एट 70, हो चुका है दस साल बाद बीस साल बाद था कितना। क्योंकि इतना पुराना कोई नहीं करता एज पर इनकम टैक्स लॉ भी मैक्सिम लिमिट सात साल की है, कुछ केसेस में चौदह तक बढ़ाई जाती है बट उससे ज्यादा रिकॉर्ड आपको रखने की जरूरत नहीं है तो कल को ये प्रॉब्लम ना आ जाए पार्टनर्स वुड डिसाइड कि हम कैपिटल को अलग रिकॉर्ड करेंगे और बाकी जो ग्रीन कलर वाले आइटम्स हैं इनका रिकॉर्ड सेपरेट मेंटेन होगा ताकि कल को हम बैंक मैनेजर को ये आंसर कर पाए एक छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए दैट्स वाई द मेथड इज कॉल्ड एज वॉट चिल्ड्रन फिक्सड मेथड खोपड़े में बात गई तो टिल नाउ यू आर मिक्सिंग ग्रीन कलर इन दैट वॉटर अब आप ग्रीन कलर को अलग रखेंगे ताकि वॉटर का कलर चेंज ना हो जाए बातें समझ में आ रही हैं तो सर करना क्या है ये बताइए करना कुछ नहीं है कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है अभी तक आप जितनी भी जर्नल एंट्रीज कर रहे थे एक बार चलते हैं, जर्नल एंट्रीज वाले पे वापस। आपने यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस अकाउंट में फेंक दिया कैपिटल सैलरी वाज आल्सो थ्रोन इन विच अकाउंट कमीशन को भी किक किया और गोल पोस्ट में गया कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी किस डब्बे में डाल दिया कैपिटल तो जब सो so कॉल्ड हम हर चीज में कैपिटल 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 डाल दे रहे हैं तो बात हमारा चेंज हो जाएगा तो क्या करना है सर करना यह है कि अब आप यहां पे कैपिटल बिल्कुल भी ना लिखें आई रिपीट चिल्ड्रन कैपिटल बिल्कुल भी ना लिखें तो भाई जब ठंडी जगह में जाएंगे नहीं ठंडा पानी पिएंगे नहीं क्या जुकाम होने की प्रोबेबिलिटी होगी बिल्कुल नहीं होगी तो सर क्या करना है बस वही फादर और फ्रेंड वाला एसे का कॉन्सेप्ट आप एसे याद करके गए थे डिस्टर्बिंग टीचर के ऊपर और वहां डायनासोर के ऊपर कुछ नहीं करना है बस मेरा नाम हटा के डायनासोर का नाम ऐड कर देना है पूरा एसे सेम रहेगा सो so, आपने ऐसे लर्न किया और चेंज कर दिया समझ में आ गया माएकाओ का ऐसे पढ़ के गए थे माय गोट का माय शीप का ऐसे आ गया अकाउट के गोट लिख दीजिए लगभग सेम रहता है तो आप जहां जहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कुछ लोग कुछ और समझ लेते हैं पार्टनर का नाम लिखा है बच्चों इसका नाम लिखा है हर जगह आप लगाएंगे ऊंच सफेक्स किस चीज का करंट लोग स्क्रीन पर टच भी कर सकते हैं कोई करंट नहीं मारेगा समझ में गई बात तो अब रूट डाइवर्सिफाई हो गया आई रिपीट चिल्ड्रन रूट डाइवर्सिफाई हो गया वो जो मूवीज नहीं आती जिसमें हंसने वाला सीन आता है एरो लेफ्ट का था गाड़ी को एनरूट करना अलग तो राइट right में मोड़ दिया सारी गाड़ियां उल्टे डायरेक्शन जाती है अरे गोलमाल मूवी आपने देखी होगी ना बस वैसे ही तो अभी तक आप पार्टनर के नाम क्या क्या लिखते थे कैपिटल 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 बट अब आप क्या लिखेंगे करंट तो सारी चीजें डायवर्ट होकर किधर जाने लग जाएंगी करंट अकाउंट में जाएंगी कैपिटल में कुछ है? जाएगा ही नहीं जब कैपिटल में कुछ जाएगा नहीं तो कैपिटल चेंज होगा ही नहीं तो जब आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं तो आपका मेंटल ग्रोथ होगा ही नहीं समझ में आ रही है बातें पक्का तो ये दो बातें आपको याद रखने वाली है सो गोइंग डाउन टू द पेज जहां पे आपकी दीज है की एंट्रीज आपको चलने नजर आ रही है प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री सेम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अभी तक एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बट नाउ इंस्टेड ऑफ कैपिटल क्या लिख दिया करंट बच्चे क्या सोचते हैं पता है रट लेते हैं गलती से सर कैपिटल करंट करना है नहीं पार्टनर का नाम जहां पे लिखा है उसके आगे करंट करना है नहीं तो कुछ लोग बिचारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी इंटरेस्ट ऑन करंट कर देंगे वो बताया था ना फादर और फ्रेंड का ऐसे वो मैनी चेंज करना भूल गए अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम <laughs> <problem> हो जाएगा <laughs> तो भावार्थ शब्दार्थ नहीं अंडरस्टैंडिंग घर जल रहा है हाउस इज बर्निंग चलता है बल्ब जल रहा है बल्ब बर्निंग नहीं होता भाई बल्ब नहीं होता है समझ में आया आपके घर में कोई आया पूछा पड़ोसी का है, गए और रोने पिटने लग गया अरे चावल खरीदने गए आ जाएंगे रो नहीं वो सोचा दुनिया छोड़ के गए आपने ऐसा सो कॉल पिच गए गए मतलब भगवान के पास नहीं गए चावल खरीदने गए आ जाएंगे समझ में आ गई बात बात समझ में आ गई पक्का कंफर्म तो छोटे बच्चा घर में आता है मम्मी आज स्कूल की मैम ने बोला है कल होली डे है होली होली है हमको तो। okay. और सेम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सिमिलरली अभी तक आप ड्रॉइंग्स को कैपिटल में क्लोज करते थे बच्चों अब कहा क्लोज करोगे करंट तो बस एक चीज याद रखिए जैसा आपने पढ़ा था सब वैसे ही चलेगा आपकी क्लोजिंग एंट्रीज में चिल्ड्रेन कोई भी चेंज नहीं है एक्सेप्ट दैट फॉर डिविजिबल प्रॉफिट समझे बात को कि नहीं समझे बात को तो वी हैव द नेम ऑफ द पार्टनर आई रिपीट वी हैव द नेम ऑफ द पार्टनर उसके आगे आपको कैपिटल की जगह क्या करना है करंट बाकी सब कुछ एज इट इज चलता जाएगा समझ में आया हवाई चप्पल की जगह लेदर की चप्पल पहननी है बाकी सब कुछ

तो रिपीट क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है सर इसी क्वेश्चन को हम फिक्स मेथड से करने जा रहे हैं तो वेरी क्विकली लेट स्टार्ट पहली जर्नल एंट्री तो सब लोग कर सकते हैं क्या होगी पहली एंट्री बताइए चल पीएल अकाउंट डेबिट आई होप सो चिल्ड्रन आई एम नॉट वेरी फास्ट अगर कुछ ऐसा हो तो आप मेरे को टोक सकते हैं बाबूजी धीरे चलना ओके okay. 72500 और पता है लोगों ने एक चीज और रट ली अपने दिमाग में सर आपको कैसे पता हर बच्चा रटता है हम भी जब बच्चे थे मन के कच्चे थे दिल के सच्चे थे हम भी रट लेते थे, थे सर पहली एंट्री तो यही होती है ना 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 ना, ना। आप घर के सबसे छोटे तब तक हैं जब तक आपसे छोटा कोई वहां ना आ जाए समझ में आया कि नहीं ये एंट्री पहली अभी कुछ दिन तक चलेगी वॉट इट क्लियर परिवार बढ़ेगा ये पांचवें नंबर का भाई बन जाएगा इससे पहले पांच एंट्रीज और हैं और वो पांच एंट्रीज कुछ नई नहीं है आपने 11th में पढ़ी हुई है उनको ट्वेल्थ के सिलेबस में डाल दिया गया है क्योंकि चैप्टर छोटा था सोचा गया थोड़ी दुकान बड़ी करो तो चार पांच एंट्री और डाल दी चलिए देन चिल्ड्रन वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एंट्री किया करते थे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमिताभ पहले कैपिटल लिखते थे बट अब क्या लिखेंगे करंट बाकी सब कुछ सेम चलेगा इट्स फिफ्टी थाउजेंड का सिक्स परसेंट थ्री थाउजेंड एंड एटीन हंड्रेड बच्चों याद रखिएगा जो होमवर्क दिया है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड का है वो फिक्स मेथड का नहीं है एक बार आप उसको फ्लक्चुएटिंग से जब कर लेंगे फिर मैं उसको फिक्स करने को बोलूंगा तो इतना कंठस्थ हो जाना है कि एग्जाम में अगर तीन घंटे का पेपर आता है तो आपकी स्पीड डेढ़ घंटे में खत्म करने की उसको होनी चाहिए और ये बन जाएगी इफ यू फॉलो द सिस्टम दैट आई टेल कोई बड़ी चीज नहीं है द नेक्स्ट क्लोजर एंट्री वुड बी वॉट बचो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो आई होप सो इट्स वेरी इजी जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए भी आसान है और जिनको होमवर्क वोमवर्क करना ही नहीं उनके लिए तो आसान हर चीज रहती है नेक्स्ट सैलरी वॉट वुड बी द एंट्री फॉर सैलरी चिल्ड्रन Salary account debit to current account. ये बाबुल शब्द सुनता हूँ तो मेरे को वो बॉलीवुड की मूवी याद आती है जिसमें गाना बजता है बॉलीवुड वो बाबुल की दुआएं लेती जा। उसमें लड़की का पिता बहुत रोता है और लड़की बहुत रोती है दोनों का रोने का इकोनॉमिक लॉजिक है लड़की का पिता क्यों रो रहा है समझी को देखकर। जाओ भैया हम तो फुर्सत पाया तुम समझो तो रो रहा है समझी के ऊपर क्या बीतने वाली है <laughs> खर्चे उसके बढ़ने वाले हैं उसके घर में इन्फ्लेशन आ जाएगा और लड़की के पिता घर में डिफ्लेशन हो जाएगा खर्चे कम हो जाएंगे लड़की का पिता एंट्री पास करेगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स और लड़की का ससुर एंट्री पास करेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसिस हाँ तो तो हाँ नहीं तो दहेज तो शॉर्ट टर्म गेन है ना और लड़की क्यों रो रही है क्योंकि अब सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम पे हो जाएगी और लड़की के पिता के आंसू जो ना खुशी के आंसू होते हैं वो सब बहुत खुश है जाओ भैया जाओ हमारा पंगा छूटा इसीलिए रेड कलर का लहंगा पहनाया जाता है डेंजर सिग्नल <laughs> चलिए हंसी मजाक हो गया अगली एंट्री क्या होगी बताइए पीएल अकाउंट टू अकाउंट डेबिट सैलरी आप भी सोचते होंगे सर कैसी कैसी रिसर्च करके रखते हैं भाई सत्यता थी बता दी आपको अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं सत्यता यही है चिल्ड्रन बस हो गई एंट्रीज और तो कुछ है नहीं अब बात करेंगे देवी पांडे की डिविजिबल प्रॉफिट की क्रेडिट में आपके पास वैल्यू थी सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड की और डेबिट में बच्चों आपके पास वैल्यू थी सेवेंटी थ्री हंड्रेड की यस और नो फोर्टी एट हंड्रेड ये और ट्वेंटी फाइव ये कितना डिफरेंस आएगा सिक्सटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सेम एंट्री जो आप आज तक करते आ रहे हैं पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डोंट फॉर्म पूरा नाम लिखिए टू अमिताभ करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट इज given शेयरिंग रेशियो गिवन टू question? Yes. What इट इज given चिल्ड्रन थ्री इज टू टू इट इज थर्टी नाइन वन ट्वेंटी एंड चिल्ड्रन ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ए समझ में आ गई बात चिल्ड्रन बात समझ में आ गई अंडरस्ट एवरीबडी हाउ एंट्रीज आर डन य प्लीज अपडेट दिस और ये क्वेश्चन नंबर एट था ना yes. चलन नाइन्थ टेंथ एंड ट्वेल्थ इन दीज जर्नल ओनली आई रिपीट चलो इन दीज क्वेश्चन वॉट जर्नल अंडर फिक्स मेथड बना लेंगे सब लोग ये सारा होमवर्क मैं अगली क्लास में चेक करूंगा तो जरा कंप्लीट कर लीजिएगा नहीं तो अगली क्लास में जो पढ़ाया जाएगा